दोस्तों, हम अपना जमा किया हुआ पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और हमारा पैसा भी सुरक्षित रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF और फिक्स्ड डिपॉजिट में कौन सा विकल्प जो आपके लिए बेहतर होगा। सामान्यतः PPF और FD ब्याज देने में दोनों करीब करीब समान ही होता है, लेकिन कुछ अंतर इन दोनों में है जो एक दूसरे को अलग करता है। PPF का मैच्योरिटी पीरियड 15 वर्ष का होता है और FD का 1 महीने से लेकर 1 वर्ष या 5 वर्ष या उससे भी अधिक हो सकता है। और टैक्स छूट की बात करें तो दोनों में 80C के अंतर्गत टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि FD में 5 वर्ष का लॉक इन पीरियड पूरा होने के बाद ही छूट मिलेगा, इससे कम होने पर छूट नहीं मिलेगा। FD में मिलने वाले ब्याज पर आपको टैक्स चुकाना होगा, जबकि PPF में मिलने वाले ब्याज पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी PPF पूरे तरह से टैक्स फ्री है। वहीं PPF पर मिलने वाला ब्याज सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है और बदलता रहता है। वर्तमान में ये ब्याज दर 7.1% है, जबकि FD पर ब्याज दर सालाना बदलता रहता है, जो कि समय और बैंक के हिसाब से अलग अलग होता है। तो PPF पूरे तरह से सरकार के नियंत्रण में होता है, चाहे आपका खाता पोस्ट ऑफिस में हो या बैंक में हो, आपको इंटरेस्ट रेट सेम ही मिलेगा। लेकिन FD के साथ ऐसा नहीं है। FD आप अलग अलग बैंक में खोल सकते हैं और आपका इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग हो सकता है। PPF अकाउंट पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा कई निजी बैंक में खुलवाया जा सकता है। यह अकाउंट कम से कम 15 वर्ष के लिए खोला जा सकता है। आपका जो PPF अकाउंट है उसका मैच्योरिटी पीरियड वो 15 वर्ष का होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका PPF अकाउंट को आगे बढ़ा सके तो आप उसके बाद 1 वर्ष या 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। इसे समय से पहले बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा है जिसमें PPF अकाउंट को आप समय से पूर्व भी बंद कर सकते हैं। इस अकाउंट में न्यूनतम प्रतिवर्ष 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। इसके अलावा FD भी निवेश का एक अच्छा विकल्प माना जाता है, क्योंकि आपको ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है और सुरक्षित भी होता है। पिछले कुछ वर्ष में FD पर मिलने वाला ब्याज काफ़ी कम होता जा रहा है, इससे लोगों में FD को लेकर थोड़ी रुचि कम हो गई है। बैंक के ब्याज दर में कमी के कारण पहले लोगों का पैसा 6 से 7 वर्ष में दुगना हो जाता था, लेकिन इस अवधि में 1.5 गुना ही अब हो पाता है। कुछ बैंक अभी भी अच्छा ब्याज दर देते हैं। आप अपने हिसाब से अलग अलग बैंक में पता लगा लीजिए कि कौन सा बैंक का ब्याज दर अच्छा है, उसी हिसाब से अलग अलग बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। FD पर मिलने वाला ब्याज से होने वाली आमदनी पर टैक्स का गणना संग्रहण के आधार पर किया जाता है, न कि उस समय करदाता को प्राप्त वास्तविक रिटर्न पर किया जाता है। FD कितने दिनों की होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि किसी शेड्यूल्ड बैंक से 5 वर्ष की अवधि हुई है
तो आयकर अधिनियम 80C के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। एफडी पर मिलने वाले ब्याज को आम डिपॉजिट के तरह आयकर दाता के टैक्स स्लैब के अनुसार ही अदा करना होता है। इससे यह साफ है कि वर्तमान समय में आप अपने पैसे को किसी तरह से ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, अपने तरह से आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एफडी से अच्छा कोई और विकल्प नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने जरूरत के हिसाब से जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं और आप अपने पैसे का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। यानी एफडी निवेश और सुरक्षित ब्याज कमाने का एक ऐसा विकल्प है कि आप ब्याज के साथ साथ कैश का भी अपना प्रबंध किए रहते हैं। यानी आपको इमरजेंसी कुछ पैसे का जरूरत पड़ जाता है तो आप एफडी से पैसे निकाल सकते हैं। और जबकि पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ के साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको ब्याज अधिक मिल रहा है, पैसा सुरक्षित है, लेकिन आप यहाँ पर अपने पैसे को अपने जरूरत के हिसाब से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने के प्रक्रिया थोड़ा जटिल है। सरकारी बैंक या सरकारी कार्यालय में पैसा जमा होने के बाद निकालने में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको बीच में कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसे निकालने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए, जबकि एफडी के साथ ऐसा नहीं है, एफडी को कभी भी तोड़कर अपना पैसा निकाल सकते हैं। और ये भी साफ है कि आप एफडी से जब भी पैसा निकालेंगे तो आपको इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसा दे दिया जाएगा। तो दोस्त, अगर आप अपने पैसे को लगाओ और भूल जाओ का हिसाब में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पीपीएफ से कोई अच्छा विकल्प नहीं है। और आपको लगता है कि आपके पैसे का बीच में आवश्यकता हो सकता है तो एफडी से अच्छा कोई और विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, इस विषय में और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट basublog.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर इस विषय पर आर्टिकल आपको मिल जाएगा, जिसमें और विस्तार से जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारे नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि हम ऐसा ही कुछ नया करें तो आपको मिस नहीं हो पाए।